तो जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आज क्या करने वाला है एडमिन, बेसिकली दो टाइप के एग्जाम को अप्रूव करने वाला है। अब आप बोल रहे होंगे दो टाइप के क्यों है, एक टाइप का ही तो था, ठीक है। तो ये दो टाइप के इसलिए है, लाइक यहाँ पर देख पा रहे हो स्टूडेंट ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो इस एग्जाम को अप्रूव करेगा, ठीक है। एक ऐसा भी है जिसमें किसी ने एग्जाम के आंसर्स को अटेम्प्ट नहीं किया, मतलब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है। तो इन दोनों का अप्रूव करने वाले हैं, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम जो व्यू के ऊपर जो होने वाला है काम, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, एडमिन के अंदर आपका रिव्यू एग्जाम्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, ठीक है, मैं आगे तभी बढ़ूंगा। तो यहाँ पर जैसे अप्रूव पर क्लिक करेगा तो एजेक्ट के द्वारा रिक्वेस्ट जाएगी और अटेम्प्ट आईडी जाने वाली है, पोस्ट का मेथड का हम यूज करने वाले हैं, और फिर हम अप्रूव होने के बाद पेज रिफ्रेश होगा और यहाँ पर उसके स्टेटस वगैरह चेक करने को मिलेगा और वहां पर आपको डेटाबेस में चेक करने को मिलेगा, ठीक है। हालांकि हम मेल का जो काम है नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, तो ज्यादा वेस्ट टाइम नहीं करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो आपका फॉर्म है, ठीक है, इसको हमें सबमिट होने से रोकना है और यहाँ से हमें @CSRF टोकन पास कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर पोस्ट मेथड का यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक इनपुट टाइप में हिडन वैल्यूज आने वाली है, जिसका नेम होगा क्या होने वाला है, अटेम्प्ट आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर अटेम्प्ट आईडी नाम की एक की मतलब वैल्यूज आने वाली है, तो वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पर सॉरी वैल्यू तो अभी हमें देनी नहीं है, वो डायनेमिकली करवानी है, तो हम आईडी रख लेते हैं क्योंकि हमें आईडी इसमें डायनेमिकली सबमिट करानी है, ठीक है। आईडी इसे कहाँ से मिलेगी, बेसिकली सॉरी वैल्यू इसे कैसे मिलेगी, वैल्यू इसे तब मिलेगी जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करो ना किसी भी रिव्यू एंड अप्रूव्ड पर, ठीक है, लाइक इस पर क्लिक कर रहे हो चाहे उस पर क्लिक कर रहे हो, तो अटेम्प्ट आईडी इसके अंदर सेव होने वाली। कैसे सेव होगी, तो हम यहाँ पर आपको पता है कि इस पर क्लिक होने के बाद ये आपको आईडी मिल ही जाती है यहाँ पर, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। तो यहाँ पर हम उसके वैल के अंदर यहाँ पर ये आईडी हम असाइन कर देंगे तो उसे वो अटेम्प्ट आईडी मिल चुकी होगी, ठीक है। अब हमें इसे फॉर्म को जो है सबमिट होने से रोकना है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, नीचे आ जाते हैं लास्ट में, पर हम यहाँ पर कमेंट बना लेते हैं और यहाँ पे हमने बना लिया अप्रूव्ड एग्जाम करके, ठीक है। यहाँ पर हम एजेक्स को हिट कराने वाले हैं, तो हैज जो हमारा फॉर्म सबमिट होगा, तो उस केस में हम क्या कराने वाले हैं, यहाँ पर फंक्शन एक इवेंट होगा इसके अंदर, ठीक है। तो एज अ पैरामीटर हमने ले लिया इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, एक बार हम टेस्ट करेंगे कि प्रॉपर चल रही है या नहीं वर्किंग, इंस्पेक्ट करके मैं चेक भी करूंगा कि मेरी आईडी जो है आ रही है नहीं, थोड़ा हम डीबग करके चलेंगे लेक्चर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद मैं अगर इंस्पेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देख पा रहे हो अटेम्प्ट आईडी 18 आ चुकी है, एंड देन मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ तो अटेम्प्ट आईडी इसकी 15 हो चुकी है, मतलब प्रॉपर वर्किंग चल रहा है, फॉर्म भी सबमिट नहीं हो रहा है, अप्रूव पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमारा जो काम है एजेक्ट को सेटअप करना है, और यहाँ पर आपको पता है कि सबसे पहले तो हम फॉर्म का डेटा ले लेते हैं जो भी उस फॉर्म के डेटा के अंदर है, तो डॉलर दिस डॉट सीरियलाइज कर लेंगे हम इसको। सीरियलाइज करने के बाद यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, डॉलर डॉट एजेक्ट को हम सेटअप करने वाले हैं, इसमें कुछ राउटिंग वगैरह हमें पास करनी है, ठीक है, राउट नेम वगैरह, और सबसे पहले तो यूआरएल इसका हम पास करेंगे, यूआरएल अभी हमने बनाया नहीं है इसलिए अभी हमें इसे एम्प्टी छोड़ देते हैं, पोस्ट मेथड होने वाला है, डेटा हमें पास करना है तो डेटा कॉलन ये जो आपका फॉर्म डेटा है वो हम यहाँ से कॉपी करके इसमें डाल देते हैं, और सक्सेस को यहाँ पर हम एक मेथड प्रोवाइड कर देते हैं। अभी देखिए हम थोड़ा इस एप्लीकेशन को डिबग करके चलेंगे तो थोड़ा अंडरस्टैंड होइएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डेटा को प्रिंट करा दिया, बेसिकली हम डिबग करेंगे ना तो हम जो है यहीं पर डिबग करेंगे, क्योंकि हम पेज को रिफ्रेश नहीं कराना है वरना हम डाई वगैरह यूज कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें राउटिंग में नेम क्या पास करना है, तो राउट एंड देन यहाँ पर हमें एक नेम पास करना है, ठीक है, तो नेम अभी हमें बनाना होगा, तो राउट चले जाते हैं राउट पर, राउट वेब डॉट पी एच पी, और ये आपको पता है कि हमारे एडमिन की चल रही है राउटिंग, ठीक है, इतनी सारी बन चुकी है अभी तक। तो यहाँ पर मैं एक राउट बनाने वाला हूँ, राउट कॉलन कॉलन पोस्ट, ठीक है। इसका जो मैं नेम रखूंगा, लाइक वो मैं नेम रख लेता हूँ अप्रूव्ड क्यू एन ए, ठीक है, अप्रूव्ड क्यू एन ए, ठीक है। एंड देन यहाँ पर एडमिन कंट्रोलर को हम यूज करेंगे, कॉलन कॉलन क्लास, एंड देन उसके अंदर एक मेथड कॉल करेंगे लाइक अप्रूव्ड क्यू एन ए नाम का, ठीक है। सेम एड्रेस में इसका नेम रख लूंगा जिससे कि मैं इजिली अपने एजेक्स में उसे यूज कर पाऊँ नेम का यूज करके, तो मैंने ये जो है नेम यहाँ पर रख लिया है, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर पास कर सकता हूँ, ठीक है, कर दिया मैंने नेम पास। एंड देन सबसे पहले अब हमें करना क्या है, थोड़ा एप्लीकेशन को डीबग करना है और अब हम चलते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तो HTTP कंट्रोलर एंड देन एडमिन कंट्रोलर, हम यहाँ पर लास्ट में आ जाते हैं,
तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन एंड देन आपका अप्रूव Q&A, और यहाँ पर जो रिक्वेस्ट आ रही होगी वो हम ले लेंगे, रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट, एंड देन यहाँ पर आपका ट्राई कैच को हम यूज करेंगे। तो मैं कैच को जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड देन ट्राई यहाँ पर मैं अपना बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ट्राई कैच का कॉपी पेस्ट कर दिया जिससे कि टाइम वेस्टेड ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को चाहिए क्या, सबसे पहले मैं वो यहाँ पर डीबग करूंगा, ठीक है, मतलब वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैसेज में मैं यहाँ पर अभी से मैसेज डाल देता हूँ अप्रूव्ड सक्सेसफुली। अभी ये देखिए बेसिकली मैं डीबग करूंगा, तो मैंने अभी से ये जो है बेसिकली डाल दिया है। डीबग करने के लिए मैं यहाँ पर डेटा नाम की एक की बना लेता हूँ, और डेटा तो अभी हमें यहाँ पर टेस्ट करना होगा, ठीक है। तो सक्सेस हम इस यहाँ पर रख लेते हैं ट्रू, ठीक है। एंड देन यहाँ पर जो है हम क्या करने वाले हैं, वो हमें टेस्टिंग करनी है बेसिकली अभी यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि मेरी अटेम्प्ट आईडी आ रही है, उसको हम यहाँ पर एक वेरिएबल में रख लेते हैं, लाइक अटेम्प्ट अंडरस्कोर आईडी या आईडी, इस तरीके से रख लो, चाहे आप किसी भी तरीके से रख सकते हो, ठीक है। तो डॉलर रिक्वेस्ट एंड देन उसके अंदर से क्या आ रही है आपकी अटेम्प्ट आईडी, अटेम्प्ट अंडरस्कोर आईडी। तो एक बार मैं चेक कर लूंगा कि क्या मैं गेट कर पा रहा हूँ अपनी अटेम्प्ट आईडी, तो यहाँ पर मैं इसे पास कर देता हूँ डेटा में। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्लियर स्क्रीन PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज, क्योंकि मैंने राउट जो है एक न्यू सेटअप किया है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर जो है रेडी हूँ कंसोल में टेस्टिंग करने के लिए कि क्या मैं यहाँ पर चेक कर पाऊंगा। तो यहाँ इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये थोड़ा इरिटेट कर रहा है मेरे को, बार बार मेरे को जो है क्लीन करना पड़ रहा है अपना कंसोल, ठीक है। तो ये रहा कंसोल, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, ये जो कि हमने लास्ट लेक्चर में लगाया हुआ था। अभी यहाँ पर हमें टेस्टिंग करनी है प्रॉपर, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसके टेस्ट करता हूँ बीच वाले को, ठीक है। और यहाँ पर देख पा रहे हो इसकी आईडी मेरे को मिल रही है 16, मतलब प्रॉपर वर्किंग है, मतलब मेरे को प्रॉपर जो है आईडी मिल रही है, ठीक है। लाइक इसको मैं क्लिक करता हूँ, 18 मिली है। अभी यहाँ पर हमें करना है क्या, बेसिकली बैक एंड पर जो कोड करना है वो हमें करना क्या है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ आपको चीजें दिखाऊंगा, लाइक मैं यहाँ पर अगर जाता हूँ एग्जाम अटेम्प्ट के अंदर, और मैं यहाँ पर एग्जाम्स नाम की भी टेबल ओपन कर लेता हूँ। तो अभी आपको पता है मेरे को मार्क्स के बेस पर काउंट करते जाना है कि जो जो आंसर सही है उसका मार्क्स जो है मेरे को प्लस करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो एग्जाम जब अटेम्प्ट करता है यूजर, तो यहाँ पर एग्जाम आईडी आती है यूजर आईडी। तो इस एग्जाम आईडी के बेस पर हमें एग्जाम का डेटा निकाल सकते हैं, एग्जाम का डेटा निकालने के बाद हमें मार्क्स मिल जाएंगे उसके, ठीक है, कि इस एग्जाम के जो स्टूडेंट ने जो एग्जाम अटेम्प्ट किया था उसका मार्क क्या था, ठीक है, एडमिन ने क्या रखा था, ठीक है। तो इसे हम चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर हम क्या यूज करने वाले हैं, बेसिकली एग्जाम अटेम्प्ट नाम का मॉडल, ठीक है। तो एग्जाम अटेम्प्ट, तो कॉलन कॉलन वेयर एंड देन यहाँ पर देखिए एग्जाम अटेम्प्ट का मैं यूज कर रहा हूँ, तो एग्जाम अटेम्प्ट नाम की टेबल में आईडी है। तो आईडी को हम चेक करेंगे किसके साथ, हमारी जो अटेम्प्ट आईडी आई है ये वाली, ठीक है। तो इसके साथ हम चेक करेंगे, और यहाँ पर हमें थोड़ा एसोसिएशन लगाने की नीड पड़ेगी, एसोसिएशन मतलब रिलेशनशिप, ठीक है। तो अगर मैं मॉडल्स के अंदर जाता हूँ, मॉडल्स एंड देन यहाँ पर मैं एग्जाम अटेम्प्ट की बात करूँ, तो यहाँ पर एक ऑलरेडी एसोसिएशन लगा हुआ है एग्जाम नाम का, ठीक है। तो इसका यूज करके मैं इजिली एग्जाम को ले सकता हूँ, और एग्जाम का डेटा डेटा भी ले सकता हूँ, ठीक है, एग्जाम का डेटा। तो मैं यहाँ पर विद करके रिलेशनशिप ऐड कर सकता हूँ एग्जाम करके, जो कि मेरे को डेटा निकाल करके दे देगा। और यहाँ पर मैं इसका नेम रख लेता हूँ, लाइक एग्जाम डेटा नाम का एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, इसमें मेरा एग्जाम का डेटा आ चुका है। अब इसमें से मेरे को मार्क्स निकालने हैं, तो एग्जाम डेटा जीरो करके उसमें आपको पता है कि एग्जाम नाम की आ रही होगी, क्यों की आ रही होगी वो, क्योंकि यहाँ पर हमने एग्जाम नाम का ही एसोसिएशन यूज किया हुआ है, ठीक है। अब एग्जाम के अंदर हमको पता है मार्क्स नाम की उसके अंदर की है जिसमें आपका मार्क्स स्टोर है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको मार्क्स नाम के एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा चेक करता हूँ अपने फ्रंट एंड साइड पर कि डेटा क्या मिलता है, ठीक है, एक बार टेस्ट कर रहा हूँ बेसिकली मैं डीबगिंग, थोड़ा आप इसे बोल सकते हो मैं डीबग कर रहा हूँ अपने लिए, टेस्टिंग कर रहा हूँ प्रॉपर वे में। लाइक मैं यहाँ पर इसको अप्रूव करता हूँ, तो मेरे को क्या मिलता है, 2.2, 18 का 2.2 मिला मार्क्स, मतलब मैथ का जो एग्जाम है उसके 2.2 उसने मार्क्स रखे हुए हैं। अगर मैं इंग्लिश का चेक करता हूँ, तो इंग्लिश का हम चेक कर लेते हैं, तो मैं थोड़ा क्लियर करके चेक करता हूँ, अप्रूव करता हूँ, तो यहाँ पर देखो कि 1.9, मतलब मार्क्स हमें करेक्ट मिल रहा है। तो अब हमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। अब हमें टेंशन लेनी है तो आगे लेनी है इसके अंदर कि क्या हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब आपको पता है कि मेरे पास एग्जाम का मार्क्स आ चुका है, कि जो स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था उसका मार्क मेरे पास आ चुका है। अब मेरे को ये चेक करना है कि कौन कौन से उसके आंसर्स ठीक थे, ठीक है। तो ये मेरे को सबसे पहले उसके आंसर्स निकालने की उसने अटेम्प्ट क्या किए थे। लाइक अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एग्जाम अटेम्प्ट के अंदर, तो यहाँ पर ये जो यूजर आईडी, सॉरी एग्जाम आईडी यूजर आईडी है,
पर ये तो बेसिकली जब आती है जब यूजर ने एंटर किया, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर एग्जाम आंसर्स के अंदर क्या है, उसके आंसर सबमिट होते हैं। लाइक यहाँ पर देख पा रहे हो एक ही ने दिए हुए हैं, जैसा कि आप जानते हो कि बाकी दो तो नल ले बैठे हुए हैं, ठीक है, उन्होंने दिया ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, टेस्टिंग करने वाले हैं कि भाई उसके अंदर मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था दो तरीके के एग्जाम हम सबमिट करने वाले हैं। तो एग्जाम आंसर, ठीक है, एग्जाम आंसर कॉलन कॉलन वेयर, ठीक है। वेयर में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आप देखोगे आंसर्स में क्या है, अटेम्प्ट आईडी, हम अटेम्प्ट आईडी का यूज करेंगे। अटेम्प्ट आईडी आपको पता है कि हमारे पास आ ही रही है, तो अटेम्प्ट आईडी मैंने यहाँ पर पास की, और ये जो मेरे पास अटेम्प्ट आईडी मैंने यहाँ पर इस वेरिएबल में स्टोर कर रखी है वो मैं इजिली यहाँ पर पास आउट कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को करना क्या है, अगर मैं विद यूज करूंगा, एसोसिएशन यूज करूंगा, ठीक है, अगर मैं एग्जाम आंसर नाम के मॉडल में यूज करता हूँ मतलब जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो मैं क्वेश्चन को भी निकाल सकता हूँ उसके, कि उसने क्या क्या क्वेश्चन दिए थे, और मैं यहाँ पर आंसर्स को भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आंसर्स नाम की को यूज करूंगा जिससे कि मेरे को आंसर्स मिल जाए उसके, ठीक है, मतलब आंसर्स मेरे को कौन सा करेक्ट था उसका वो मेरे को मिल जाए, ठीक है, मतलब आपको पता चलेगा। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा डीबग करके आपको दिखाऊंगा, तो अगर मैं यहाँ पर गेट करता हूँ, ठीक है, गेट करता हूँ, और यहाँ पर मेरे को पता है मेरे को क्या मिल चुका है, यहाँ पर अटेम्प्ट डेटा, ठीक है, मतलब अटेम्प्ट डेटा के अंदर कि किस स्टूडेंट ने क्या अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो है एक बार सबमिट करके मैं थोड़ा डीबग करके आपको दिखा रहा हूँ, बेसिकली टेस्टिंग करा रहा हूँ। अब यहाँ पर आप जैसा कि लोग जानते हो कि पहले दो में किसी ने सबमिट ही नहीं किया एग्जाम, ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर इस पर अप्रूव पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर देख पा रहे हो एरे में 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसी ने सबमिट ही नहीं किया था, क्योंकि इस टेबल के अंदर जो एग्जाम आंसर नाम की टेबल थी उसके अंदर अटेम्प्ट आईडी से रिलेटेड वो डेटा मिला ही नहीं, ठीक है। अगर मैं तीसरे की बात करूँ उसके अंदर था, 3 क्वेश्चन थे उसने जो सबमिट किए थे, लाइक मैं अगर अप्रूव करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर 3 मिलने चाहिए, देख सकते हो यहाँ पर 3 मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर 3 मेरे को डेटा मिल रहा है उसके अंदर आप देखोगे आंसर्स नाम की एक की है जो कि अभी हमने एसोसिएशन लगाया है, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि वो करेक्ट था या नहीं आंसर, ठीक है। तो पहला तो आपको जी पता है 0 आ रहा है, तो मतलब आपका क्रॉस था जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो हमें परफेक्ट मतलब उसके आंसर्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये केस क्या बनने वाला है कि इफ अटेम्प्ट डेटा काउंट निकालेंगे हम इसका काउंट, ठीक है, काउंट अटेम्प्ट डेटा अगर ग्रेटर देन होता है 0 से, मतलब कि उसने अटेम्प्ट किए हैं और हम उनके मार्क्स को अपडेट करने वाले, मतलब कैलकुलेशन ऐड करने वाले हैं, ठीक है। अन्यथा हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एल्स को हम नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे सिंपल डायरेक्ट, हम यहाँ पर क्या करेंगे एग्जाम अटेम्प्ट को अपडेट करने वाले हैं, ठीक है। किसके साथ अपडेट करने वाले हैं, लाइक मैं यहाँ से इसको निकाल लेता हूँ, वेयर आईडी एग्जाम अटेम्प्ट की, ठीक है। अब आपको पता है, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली, ठीक है, कि मैंने यहाँ पर मार्क्स निकाले एग्जाम के बेस पर, ठीक है, अटेम्प्ट आईडी निकाला कि किस स्टूडेंट ने कितने एग्जाम्स के क्वेश्चन एंड आंसर सबमिट किए हैं, ठीक है, तो वो इसके अंदर एंट्रीज आएंगी, और आपको पता है दो ने नहीं किए हैं, तो मतलब 0 से 0 में होगा, मतलब काउंट 0 आ रहा होगा उसका, ठीक है, और हमने यहाँ पर ग्रेटर देन लगा रखा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर हम एल्स नहीं चलाएंगे, हम यहाँ पर आपको पता है कि ऑलरेडी उसका स्टेटस हम बंद कर देंगे, और उसका जो टोटल काउंट था हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे डॉलर टोटल मार्क्स, ठीक है, करके डॉलर टोटल मार्क्स इक्वल टू 0, इसको हम स्टार्टिंग में 0 रख लेते हैं। अगर देखिए यहाँ पर जब स्टूडेंट ने कोई एग्जाम मतलब अटेम्प्ट नहीं किया, कोई मतलब एग्जाम में कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, तो उस केस में नहीं मिलेगा, इसमें इफ कंडीशन के अंदर नहीं मिलेगा डेटा, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर मिलता है तो डॉलर टोटल मार्क्स को हम अपडेट कराने वाले हैं, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो हम यहीं पर क्या कराएंगे, यहीं पर हम कर देते हैं अपडेट। अपडेट में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक तो हम उसका स्टेटस अपडेट करेंगे, स्टेटस स्टेटस इक्वल टू हम कर देंगे 1, पहले क्या था इसका 0 था, यहाँ पर देखोगे सभी का स्टेटस 0 है क्योंकि अभी वो अप्रूव नहीं किए हैं एडमिन ने, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम मार्क्स में हम क्या डालने वाले हैं, अपना जो टोटल मार्क्स नाम का वेरिएबल है इसको डाल देंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जब एग्जाम में किसी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेगा तो ऑलरेडी उसके कितने मार्क्स होंगे, 0 अंडा, ठीक है। अब जब उसने अटेम्प्ट कर दिए, मतलब ये तो आपकी प्रॉपर वर्किंग हो रही है कि जब इसमें आएगा नहीं और उसके टोटल मार्क्स हो जाएंगे 0, ये तो प्रॉपर चल रहा है। अब उसके टोटल मार्क्स अटेम्प्ट कराने, जिसने अटेम्प्ट किया है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस डॉलर अटेम्प्ट डेटा का हम यूज करेंगे, और यहाँ पर फोर ईच का यूज करेंगे, फोर ईच
फॉर ईच का हम यूज करने वाले हैं और डॉलर अटेम्प्ट डेटा एज डॉलर अटेम्प्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पर डॉलर अटेम्प्ट नाम का एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि इस अटेम्प्ट में क्या आने वाला है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर आएगा आंसर्स। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको फ्रंट एंड साइड पर दिखाया था, आंसर्स नाम की आएगी जिसमें इज करेक्ट। तो हम इसको चेक करते जाएंगे, तो क्या चेक करने वाले हैं, डॉलर अटेम्प्ट डॉलर, यहाँ पर हम चेक करेंगे बेसिकली इफ कंडीशन लगाएंगे। डॉलर अटेम्प्ट के अंदर जो आपकी आंसर्स नाम की है उसके अंदर जाओ। ठीक है, उसके अंदर जाकर के आप यहाँ पर चेक करो कि इज करेक्ट इक्वल इक्वल वन होता है तो हम क्या करेंगे, जो डॉट सॉरी ये जो डॉलर टोटल मार्क्स है इसको हम प्लस इक्वल कर देंगे किसके साथ, मार्क्स के साथ। अब आप बोल रहे हो ये कैसा लॉजिक है, ठीक है, तो समझने की कोशिश करिएगा कि इस स्टूडेंट ने तीन एग्जाम सॉरी एक एक स्टूडेंट ने एक एग्जाम में तीन क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो अटेम्प्ट डेटा की वैल्यू जो है ग्रेटर देन जीरो है, तो उसके अंदर क्या है, उसने कितने आंसर अटेम्प्ट किए, तो उसका डेटा आ रहा है इसमें कि उस आंसर की वैल्यू क्या रही जो उसने आंसर अटेम्प्ट किया। आपको पता होना चाहिए, मैंने यहाँ पर एसोसिएशन लगा रखा है और एसोसिएशन का ही यहाँ पर आपको डेटा दिखाई दे रहा था। ये तीन क्वेश्चन जो है इसने सबमिट किए हैं, तो यहाँ पर पहला जो है उसका आंसर्स के अंदर अगर मैं चेक करूं तो उसका इज करेक्ट जो है जीरो, मतलब उसने रॉन्ग किया है, मतलब उसका जीरो रहेगा। ठीक है, फिर स्टार्टिंग में क्या हुआ, अगेन में आया तो इज करेक्ट उसको मिल गया वन, क्योंकि उसका जो सेकंड वाला जो आंसर था वो करेक्ट था, तो इज करेक्ट हुआ वन। ठीक है, तो इज करेक्ट वन हुआ, तो टोटल मार्क्स जीरो प्लस क्या हुआ आपका मार्क्स, मतलब एक और मार्क्स जो है एड हो चुका है, मतलब उसका कितना था, मैथ का अगर एग्जाम लगाया जाए तो यहाँ पर जो था आपका 2.2 था, 2.2। ठीक है, तो आप इसका देख पा रहे हो 2.2 का अगर 2.2। ठीक है, अगर आप दो बार सॉरी एक बार ही होगा बेसिकली, क्योंकि इसने एक ही करेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर निकल के आने वाला है वो आपका निकलने आने आने वाला है 2.2, क्योंकि इसने एक ही करेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मार्क्स को जो है क्या करेगा, कैलकुलेट करके और ये आपको सबमिट करके दे देगा। ठीक है, मतलब अपडेट कर देगा। अभी टेस्टिंग करनी है ना, अभी आप टेस्टिंग कर लीजिएगा। तो हम यहाँ से जो है जो हम टेस्टिंग के लिए डेटा ले करके लगा रहे थे इसमें से वो हटा देते हैं। अब हम web.php को क्लोज कर देते हैं, बाकी सभी को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम थोड़ा चेक लगा लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर अब हम इसे प्रॉपर कर लेते हैं, अलर्ट डेटा डॉट मैसेज। ठीक है, MSG कर लेता हूँ। ये किस केस में होगा, अगर डेटा डॉट अगर ये जो आपका सक्सेस है अगर वो ट्रू नहीं होता है तो आपका एल चलेगा। तो डेटा डॉट अगर सक्सेस इक्वल इक्वल ट्रू होता है तो हम लोकेशन को करा देंगे रीलोड, लोकेशन डॉट रीलोड एंड देन आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें इसे टेस्टिंग की बारी है, तो टेस्टिंग करने वाले हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ गाइस, अभी यहाँ पर देखोगे तो हम एक टेबल को ही ओपन रखते हैं जो हमारे काम की है अभी फिलहाल में, तो हमारी जो काम की वो ये वाली है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखोगे फर्स्ट को करता हूँ, लाइक मैं सेकंड वाले को करता हूँ जो इसका आपको पता है कि ये फेल होने वाला है, मतलब जीरो आंसर्स आने वाले हैं, मतलब जीरो इसके एग्जाम होने वाला है। अप्रूव पर क्लिक किया मैं, तो देख सकते हो ये अप्रूव कर दिया एडमिन ने। ठीक है, मतलब स्टेटस चेंज हो चुका है, कंप्लीटेड हो चुका है, अब एडमिन जो है इसके देख नहीं सकता है। ठीक है, तो उसने एक बार अप्रूव कर दिया। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टेटस इसका एक का हो जाएगा वन और इसके मार्क्स कितने गए जीरो। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया। अब ऐसे ही लाइक मैं इसको अप्रूव करता हूँ जो कि आपको पता है कि इसका टोटल कितने आने वाला है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैथ एग्जाम का कितना पॉइंट है। अगर यहाँ पर मैं एग्जाम्स में जाता हूँ, इसका है 2.2। ठीक है, 2.2 इसका मार्क्स है और इसका एक करेक्ट है, तो इसका आपको पता है कि 2.2 प्लस वन सॉरी 2.2 इंटू वन, तो यहाँ पर आपको पता है कि क्या होने वाला है, 2.2 ही आने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पर इसके दो करेक्ट होते तो क्या होता, 2.2 प्लस 2.2 हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें इसे अप्रूव्ड करता हूँ, तो अप्रूव्ड किया मैंने, तो इसका अप्रूव्ड हो चुका है, कंप्लीटेड हो चुका है। मैं देखूंगा डेटाबेस में कि डेटा क्या सबमिट हुआ है, मतलब स्टेटस और मार्क्स क्या गया है। ठीक है, तो स्टेटस किया बन और यहाँ पर 2.2 हो चुका है, मतलब उसका एक जो आंसर ठीक था तो उसका उसे वो पॉइंट मिल चुका है। ठीक है, तो आज आपने देख लिया कि कैसे हमने अप्रूव्ड कराया एडमिन की तरफ से, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या कराने वाले हैं। ठीक है, हम क्या कराने वाले हैं, जैसे वो यहाँ से अप्रूव्ड करेगा, हालांकि हम जो है प्रीवियस लेक्चर में हम क्या करेंगे,
जो प्रीवियस लेक्चर होगा हम इसी को यहाँ से जो है स्टेटस को हटा दें, जीरो कर देंगे और यहाँ से इसे नल कर देंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, ये यहाँ पर जो है स्टेटस इसका पेंडिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके और हम यहाँ पर चेक करने वाले होंगे कि जैसे वो अप्रूव पर क्लिक करेगा, स्टूडेंट को जो है मेल जाने वाली है उसके मेल पर कि भाई आपको अप्रूव कर दिया गया है। अब आप अपने डैशबोर्ड में जाकर के चेक कर सकते हो कि आपके मार्क्स कितने हैं और आप फेल हो या पास हो। आप अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स को रिव्यू कर सकते हो कि आपके कितने करेक्ट थे और कितने अनकरेक्ट थे, ठीक है। तो ये हम कुछ फैसिलिटीज इसमें देने वाले हैं, सब्सक्रिप्शन का भी फीचर लाएंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर्स देखना ना भूलिएगा। जितने भी लेक्चर्स आने वाले हैं काफी यूजफुल होने वाले हैं। सो थैंक यू गाइस।